कम उम्र में की शादी फिर हो गया तलाक। बच्चों की परवरिश के लिए अभिनेत्री से टीचर बन गई लीला चिटनिस। फिल्म कंगन की हीरोइन रही लीला चिटनिस। लीला चिटनिस बर्थ एनिवर्सरी फिल्मों में नारीवाद की पहली अलमबरदार भी मानी जाती हैं। वे पहली भारतीय अभिनेत्री थीं जिन्होंने 1941 में लक्स साबुन के लिए विज्ञापन फिल्म में काम किया। उन्होंने उस दौर में फिल्मों में काम करने का फैसला लिया जब महिलाओं के लिए ये किसी पाप से कम नहीं माना जाता था। लीला चिटनिस की जयंती पर आइए आपको बताते हैं उनसे जुड़े कुछ रोचक किस्से। मशहूर अभिनेता अशोक कुमार ने भी मानना था कि बिना कुछ कहे सिर्फ आँखों से अपनी बात समझा देने का हुनर उन्होंने लीला से ही सीखा था। लीला चिटनिस की कम उम्र में ही शादी हो गई थी और वे 4 बच्चों की माँ भी बन गई थी। पति गजानन यशवंत चिटनिस और उनके बीच हमेशा किसी न किसी बात को लेकर विवाद रहता था, जिस वजह से उनकी शादी ने लंबा सफर तय नहीं किया और दोनों अलग हो गए। अलग होने के बाद लीला ने अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए स्कूल में बतौर अध्यापिका काम करना शुरू कर दिया। उस दौरान वह कई नाटकों में भी काम करने लगी। बॉम्बे टॉकीज ने पहचाना लीला का हुनर। उस समय लीला अपने करियर के ऐसे पड़ाव पर थी कि वो जिस भी चीज को हाथ लगाती वो सोना हो जाता। ऐसे समय में लीला को बॉम्बे टॉकीज से जुड़ने का मौका मिला। लीला की अदाकारी और कलाकारी से काफी प्रभावित होकर बॉम्बे टॉकीज ने लीला को उस दौर के सुपरस्टार अशोक कुमार के साथ फिल्म कंगन के माध्यम से पर्दे पर उतारा। फिल्म में लीला लीड रोल में थी। कंगन हिंदी सिनेमा की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म मानी जाती है। दर्शकों में अशोक और लीला की जोड़ी काफी लोकप्रिय हुई। इसके बाद लीला ने कई बेहतरीन फिल्में अशोक कुमार के साथ की। महाराष्ट्र की पहली ग्रेजुएट सोसाइटी लेडी लीला का वक्त बदलने वाला था क्योंकि उनको अपने मेहनत के दम पर सागर मूवी टोन फिल्म में एक्स्ट्रा के रूप में काम करने का मौका मिला। फिर उसी कंपनी की दूसरी फिल्म जेंटलमैन डाकू में ऐसा किरदार निभाने को मिला जिसमें वे पुरुषों की पोशाक में दिखी। इसके बाद उन्हें मास्टर विनायक की फिल्म छाया 1936 में दमदार किरदार निभाने का मौका मिला। उन्हें महाराष्ट्र की पहली ग्रेजुएट सोसाइटी लेडी का तमगा भी मिला।